जय माता की भक्तों, आज हम जानेंगे कि जायफल से कैसे होता है शत्रु का सर्वनाश। इस चर्चा को आरंभ करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको सीधी मिले। तो जानें एक जायफल से आपके शत्रु का सर्वनाश कैसे होगा। जायफल दो प्रकार के होते हैं, एक जायफल केवल पूजा में काम आता है और एक जायफल खाने में काम आता है। तो पूजा वाले जायफल को आप 21 दिन तक केसर का तिलक लगाएं और मम शत्रु सर्वनाश कुरु कुरु स्वाहा काल भैरव के मंदिर में इसको रखें 21 दिन तक। मम शत्रु सर्वनाश कुरु कुरु स्वाहा, इस मंत्र से आप इस जायफल के ऊपर 11 बार मंत्र की फूंक मारें और उस जायफल को 21 दिन तक काल भैरव के मंदिर में रखें। अंत में जब 21 दिन हो जाएं तो उस जायफल को पीपल की जड़ के नीचे दबा दीजिए। फिर धीरे धीरे आपके शत्रु का सर्वनाश हो जाएगा। ये बहुत ही सोचा समझा प्रयोग है। आने वाले समय में नई वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। जय माता की।